हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के ऑफिस बटन के बारे में। दोस्तों चलते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की विंडो पर। इसके लिए हमें स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और यहाँ हमें मिलता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। इसे क्लिक करते ही हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की विंडो ओपन हो जाती है। आज मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ इस ऑफिस बटन के बारे में, जिसके अंदर सबसे पहले कमांड होती है न्यू, जिससे कि हम एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया, हमें एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर मिला है कि हम किस तरह का डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है। अगर इसे हम क्लिक करते हैं और क्रिएट पर क्लिक करें तो एक नई विंडो हमारे सामने ओपन होकर आती है। दोस्तों इसका कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड कंट्रोल एन होता है। दोस्तों दूसरा कमांड होता है यहाँ पर ओपन। ओपन कमांड का उपयोग ऑफिस में पहले से तैयार डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किया जाता है। यहाँ आप सिर्फ ऑफिस डॉक्यूमेंट को ही ओपन नहीं करते हैं, बल्कि इसके अलावा आप नोटपैड, वर्ड पैड की कुछ फाइलों को भी ओपन कर सकते हैं। दोस्तों इसका कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड कंट्रोल ओ होता है, जिसे आप कीबोर्ड से उपयोग कर ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यह मैंने ओपन किया। तीसरा कमांड यहाँ पर सेव होता है। सेव कमांड के द्वारा हम हमारी फाइल को सेव कर सकते हैं, जिससे कि कल भी उसका उपयोग किया जा सके। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल एस होता है। चौथा कमांड आता है सेव अस। सेव अस कमांड के द्वारा आप पहले से किसी सेव ऑफिस डॉक्यूमेंट को किसी अन्य फाइल के नाम से या फिर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। अगला कमांड यहाँ पर आता है प्रिंट। प्रिंट कमांड के द्वारा आप ऑफिस में तैयार डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। इस ऑप्शन के अंदर हमें और भी कमांड्स उपलब्ध होते हैं, जिसे कि हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि हमारा किस तरह से पेज प्रिंट होकर यहाँ पर शो होता है। इसका शॉर्टकट कमांड कंट्रोल पी होता है। अगला कमांड यहाँ पर प्रिपेयर आता है। प्रिपेयर कमांड के द्वारा आप ऑफिस डॉक्यूमेंट में प्रॉपर्टी जैसे टाइटल, ऑथर नेम, सब्जेक्ट आदि नामों को यहाँ पर इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसमें पासवर्ड सेट कर सुरक्षित कर सकते हैं। यदि आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो उसे आप यहां से डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफिस के पुराने वर्जन के साथ डॉक्यूमेंट की कंपेटिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है दोस्तों सेंड। सेंड
कमांड के द्वारा हम ऑफिस डॉक्यूमेंट को ईमेल, मैसेज, ईमेल अटैचमेंट तथा फैक्स आदि रूप में भेज सकते हैं। पब्लिश, इस कमांड के द्वारा आप ऑफिस डॉक्यूमेंट को ऑफिस प्रोग्राम से ही डायरेक्ट पब्लिश करने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पर आता है क्लोज। क्लोज कमांड के द्वारा आप डॉक्यूमेंट को बंद कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफिस बटन मेन्यू में दो और कमांड होती है जिन्हें आप ऑफिस बटन में सबसे नीचे दाएं तरफ देख सकते हैं। पहली कमांड यहाँ पर वर्ड ऑप्शन और दूसरी कमांड एग्जिट वर्ड दिया गया होता है। वर्ड में वर्ड ऑप्शन के नाम से दिया होता है। इस कमांड के द्वारा आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं, जैसा कि मैं डैशबोर्ड को सिल्वर कलर से फिलअप देना चाहता हूं, तो यहां पर मैंने सिल्वर लिया है और ओके किया तो यह सिल्वर कलर से फिलअप हो गया है। और अगर हम चाहें तो वापस से इसे चेंज कर सकते हैं, ब्लू कलर में ही फिलअप दे सकते हैं। अगला ऑप्शन आपके पास है एग्जिट वर्ड, जिससे कि हम पूरे ही विंडो से, पूरे प्रोग्राम से बाहर चले जाते हैं। तो ये था दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का ऑफिस बटन के बारे में।